हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए हम कल वाला टॉपिक फिर से डिस्कस करते हैं। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी और चार्ज की, वो दो प्रॉपर्टीज क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और नेक्स्ट क्या था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम चार्ज की डिस्कस करने वाले हैं और वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा, सपोज हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है और ये हमारे पास है एक ग्लास रॉड, ओके, और अभी दोनों न्यूट्रल है, दोनों पे चार्ज कितना है, जीरो है। और अब हमने क्या किया, इनको रब किया, हमने क्या किया, इनको रब किया है। तो आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग क्या होगा, जो ग्लास रोड है इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है और इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, लेकिन अभी भी नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। जितना इसने चार्ज अपना लॉस किया है उतना चार्ज इसने क्या किया है, गेन किया है। मीन्स क्या होगा, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग। रब करने से पहले जितना चार्ज था और रब करने के बाद जितना चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो रब करने से पहले ग्लास रॉड पे जीरो था, सिल पे कितना था, जीरो चार्ज था, और अभी ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव आएगा, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं ऐसा कि यहां पे प्लस टू यूनिट क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो सिल्क पे उतना ही क्या आएगा, उतना ही यूनिट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अभी भी नेट चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक बॉडी जितना चार्ज लॉस करेगी दूसरी बॉडी उतना चार्ज गेन करेगी। चलिए अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, ओके। सपोज हमारे पास टू बॉडीज हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और हमने ऐसा अज्यूम किया कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये क्या है, ये है लोअर पोटेंशियल पे। जब इन दो बॉडी को हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज फ्लो कहां से कहां हो जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सपोज कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ओके। तो हमने अज्यूम किया कि क्यों चार्ज फ्लो हो गया है टी टाइम में, जैसे हमारे पास दो कंटेनर हैं, ये दो कंटेनर हमारे पास हैं और इन दो कंटेनर का जो लेवल है, इस लेवल तक इसमें वाटर फिल्ड है, इसमें इस लेवल तक वाटर फिल्ड है और इनको हमने कनेक्ट किया है एक पाइप के साथ, ठीक है, या हमने एक वाल लगा रखा है और जैसे हम इसको अलाउ करेंगे, इसमें ये वाला लेवल है वाटर का, तो जैसे हम अलाउ करेंगे वाटर को फ्लो करने के लिए, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर लेवल से लोअर लेवल, ओके। तो ये वाला वाटर कहां फ्लो करेगा, ये सपोज ए है और ये क्या है, बी, जैसा हमने यहां पे अज्यूम कर रखा है कि ए और बी है, तो यहां जो वाटर है कहां से कहां फ्लो करेगा, ए टू बी फ्लो करेगा, ओके। इन द सेम वे जो चार्ज है वो कहां से कहां फ्लो करने वाला है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हमने अज्यूम किया कि क्यों चार्ज फ्लो हो गया, कितने टाइम में, टी टाइम में फ्लो हो गया, ठीक है। तो करंट का डेफिनेशन क्या बनेगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड करंट। अभी करंट कितना बनेगा, तो करंट को हम लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज
और उसका टाइम टेकन कितना है और कितना टाइम। तो हमने अज्यूम किया कि ए टू बी सपोज क्यू चार्ज क्या हुआ है, फ्लो हुआ है, ओके okay? तो करंट हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू बाई टी, दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड दिस इज द टाइम टेकर, ओके। अभी हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या है। आई हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू बाई टी। तो यहां से यूनिट क्या बनेगा, चार्ज के लिए यूनिट क्या हो गया है कूलाम, और टाइम के लिए क्या हो गया है सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, ओके। तो आई के लिए यूनिट क्या बन गया है, कूलाम पर सेकेंड, जिसको हम फर्दर किससे लिखेंगे, एम्पियर, जिसका सिंबल क्या है, ए, ठीक है। अभी हम डिफाइन करने वाले हैं, डिफाइन वन एम्पियर, किसको डिफाइन करना है, वन एम्पियर को हमने डिफाइन करना है। तो चलिए डिफाइन करते हैं, आई हमारे पास किसके इक्वल था, आई किसके इक्वल था, क्यू बाई टी। हम ऐसा अज्यूम कर लें कि चार्ज कितना फ्लो हुआ, वन कूलम, कितने टाइम में फ्लो हुआ, तो टाइम हमने अज्यूम कर लिया है वन सेकेंड, तो करंट कितना बन जाएगा, वन एम्पियर। तो यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द यूनिट ऑफ करंट इज सेड टू बी द यूनिट ऑफ करंट इज सेड टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड। अगर वन सेकेंड के अंदर वन कूलम चार्ज फ्लो करे तो करंट कितना बनेगा, वन एम्पियर बनेगा, ओके okay. अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा। सपोज हमारे पास ये टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो अभी तो यहां से यहां करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो कब होगा, जब हम दोनों को एक पाथ प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करें, एक कंडक्टिंग पाथ। व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडक्टिंग पाथ। हमने क्या प्रोवाइड किया है, दो पॉइंट के बीच में कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड किया है। तो कंडक्टिंग पाथ क्या करेगा, ये फ्लो करवाएगा, किसका फ्लो करवाएगा, करंट का फ्लो करवाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज कंडक्टिंग पाथ, क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग एंड इलेक्ट्रिक सोर्स, कंटेनिंग एंड इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है। करंट कहां से आएगा, सेल या फिर बैटरी से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स बोल रहे हैं। चलिए इसको डिटेल समझते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज एक होगा क्लोज सर्किट और दूसरा वाला होगा ओपन सर्किट, दूसरा वाला क्या होगा, ओपन सर्किट। इसमें क्या होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, ओपन सर्किट, एंड हेयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट का फ्लो होगा तो क्या बोलेंगे उसको, क्लोज सर्किट, और अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, ओपन सर्किट। कैसे होगा करंट का फ्लो, सपोज ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, बल्ब है, बल्ब का सिंबल है, अभी हम कुछ सिंबल डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पास क्या है,
एक सोर्स ऑफ वोल्टेज है बैटरी, और ये हमें लगाया है की। ओके, क्या है ये? बल्ब है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बैटरी, बैटरी। और ये हमारे पास है कनेक्टिंग वायर्स, ये हमारे पास क्या है? कनेक्टिंग, कनेक्टिंग वायर्स। ये की हमारे पास है। तो अभी हमने क्या कर रखा है? अभी इसको ओपन कर रखा है। अगर यहां पर डॉट लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो करेगा, तो सर्किट कैसा हो जाएगा? क्लोज, मतलब कंडक्टिंग पाथ इसको मिल रहा है करंट को फ्लो करने के लिए। और अगर इस डॉट को रिमूव कर देंगे हम, लाइक दिस कर देंगे हम, लाइक दिस, तो ये कैसा होगा? ओपन की होगा। अगर यहां डॉट लगाएंगे तो ये कैसा होगा? क्लोज होगा। मीन्स अभी करंट फ्लो नहीं करेगा और अभी करंट फ्लो करेगा। ओके, तो हमने देखा कि दो सर्किट हैं, एक ओपन सर्किट, दूसरा क्या है? क्लोज सर्किट। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सर्किट कैसा होगा? ओपन। और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? क्लोज सर्किट। अभी कुछ सिंबल हम डिस्कस करते हैं। से फर्स्ट सिंबल हो गया है सेल। सेल, तो ये सिंबल है सेल के लिए। ओके, टू स्ट्रेट वायर, टू स्ट्रेट हमने लाइंस यहां पे शो करनी है। ये पॉजिटिव के लिए, किसके लिए? नेगेटिव के लिए। नेक्स्ट इसी में आ जाता है बैटरी। बैटरी, बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या होती है बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, टू और मोर सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। तो ये हो गया फर्स्ट सेल, और ये क्या हो गया है? सेकंड सेल। और इनको हमने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। तो ये क्या बन गया है? बैटरी। ओके, और सेल क्या होता है? दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर हम दो या तीन सेल को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो बैटरी। नेक्स्ट, अभी की के बारे में डिस्कस किया था, करंट को कंट्रोल करना है, ठीक है? तो इन दिस वे दिस विल बी ओपन की, मींस नो फ्लो ऑफ करंट। अगर ऐसा हुआ नो फ्लो ऑफ करंट, और अगर हमने क्या किया है, ये डॉट इस तरीके से लगाया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज की, ठीक है? सर्किट ओपन रहेगा अगर की ओपन है तो, और की क्लोज है तो सर्किट क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। फ्लो ऑफ करंट यहां पे क्या आएगा? फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट, बैटरी कितना वोल्ट दे रहा है हमको, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन आ गया है? वोल्ट मीटर। कौन आ गया है? ये वोल्ट मीटर। क्या करेगा? ये रिकॉर्ड्स द वोल्टेज। किसको रिकॉर्ड करेगा? ये वोल्टेज को रिकॉर्ड करेगा। ऐसे ही करंट, तो करंट के लिए कौन है? एमीटर। करंट के लिए कौन है? एमीटर। एमीटर क्या करेगा? करंट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? रिकॉर्ड्स दी करंट। रिकॉर्ड्स दी करंट। ओके, और अगर करंट स्मॉल है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मिली एमीटर। क्या यूज कर सकते हैं हम? मिली एमीटर यूज कर सकते हैं, मिली एमीटर। करंट को रिकॉर्ड करेगा, मिली मींस ये हो जाएगा
10^-3 इस ऑर्डर में रिकॉर्ड करेगा। करंट और भी स्मॉल है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं माइक्रो एमीटर। ओके, और करंट चाहे कितना ही स्मॉल हो, अगर करंट और भी स्मॉल है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करेंगे हम, गैल्वेनोमीटर। एमीटर भी ये सभी के सभी क्या है, किसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, ये सभी करंट को रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओके, माइक्रो मीन्स 10^-6। अभी करंट को कंट्रोल कैसे करें, ठीक है, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस। क्या है ये, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ओके, जैसे आप फैन की स्पीड को कंट्रोल करते होंगे, सर्दियां आ गई हैं तो स्पीड कम करते होंगे फैन की आप, है ना, और गर्मियों में उसकी स्पीड को ज्यादा करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या रेजिस्टर आप बोल सकते हैं, रेजिस्टर। और ये वाला यहां पे एरो लगाया तो ये क्या बन गया है, वेरिएबल रेजिस्टर बन गया है। ओके, यहां से आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम हो जाएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये हो गया है बल्ब। क्या हो गया है ये, बल्ब। ये सिंबल है किसके लिए, हीटर के लिए। ये सिंबल किसके लिए है, ये सिंबल है हीटर के लिए। ओके, इन दिस वे दिस इज द क्रॉसिंग ऑफ वायर। यहां करंट मिक्स नहीं हो रहा है, जस्ट टू वायर लाइक दिस। ओके, ये वाला करंट स्ट्रेट मूव कर रहा है, ये करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट मिक्स नहीं हो रहा है। दिस इज द क्रॉसिंग ऑफ वायर। This is what? This is joint. तो ये कुछ सिंबल हैं। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, जब सर्किट बनाएंगे तो इन्हीं कंपोनेंट्स के में क्या होगी, रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, सेल। सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड बट इज बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड टू और मोर सेल, दैट इज कॉल्ड बैटरी। नेक्स्ट इज की, अभी करंट को हमें क्या करना है, सर्किट को ओपन रखना है, क्लोज रखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, की। ओपन की, क्लोज की। अगर हमने क्या किया हुआ है, की को ओपन किया हुआ है तो नो करंट विल फ्लो, अगर हमने की को क्या किया है, क्लोज किया है, देन करंट विल बी फ्लो। ओके, नेक्स्ट कितना वोल्टेज हमको सर्किट में मिल रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए वोल्ट मीटर। नेक्स्ट कितना करंट हमको मिल रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन है, एमीटर। एंड करंट का वैल्यू स्मॉल हो सकता है, तो करंट का वैल्यू स्मॉल है तो उसके लिए मिली एमीटर, माइक्रोमीटर, और करंट चाहे कितना स्मॉल है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम फिर क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और अभी करंट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम क्या करते हैं, रोड पे जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। तो ये स्पीड ब्रेकर ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर। तो ये वाला है फिक्स, और एरो लगाया तो ये क्या हो गया है, वेरिएबल रेजिस्टर हो गया है। नेक्स्ट इज बल्ब, नेक्स्ट इज हीटर, नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ऑफ वायर, एंड दिस वन इज जॉइंट। अभी हमने पढ़ा था कि करंट, करंट इक्वल किसके आ गया था, क्यू बाई टी आ गया था। ओके, करंट क्या आ गया है, क्यू बाई टी आ गया है। ओके, अभी करंट को हम कंट्रोल कैसे करें, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं, और उसको हम डिस्कस यहां करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे,
रेजिस्टेंस क्या होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जिसका रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है एक्सट्रीमली हाई मींस नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, इस मेटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, व्हाट इज इंसुलेटर इन विच नो फ्लो ऑफ करंट। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी हाई। रेजिस्टेंस क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या लिया हमने, कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जनरली क्या होता है इनका, लो रेजिस्टेंस। जनरली क्या होगा इनका, लो रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, इंसुलेटर, रबर। और नेक्स्ट एक कैटेगरी आ जाती है सेमीकंडक्टर। तो जिसका रेजिस्टेंस इनसे ज्यादा है और इनसे कम है, ठीक है, मींस करंट क्या होगा, वीक करंट विल फ्लो, स्मॉल करंट, स्मॉल करंट फ्लो होगा, स्मॉल करंट विल फ्लो, स्मॉल करंट विल फ्लो। और ये जो ऑर्डर है ये इस ऑर्डर में आता है, स्मॉल आता है ये करंट। जैसे सिलिकॉन ले लिया हमने, जर्मेनियम, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी हम जानेंगे रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है अब इसको हम जानेंगे। वैसे अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, ये रुकावट है। ये जैसे रोड पे गाड़ियां चलती हैं तो जितने ब्रेकर ज्यादा होंगे उतना गाड़ियों की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है। जिसमें करंट इजीली फ्लो करेगा वो कंडक्टर है, जिसमें फ्लो नहीं कर पाएगा वो कौन है, इंसुलेटर है, ओके। और नेक्स्ट क्या है, सेमीकंडक्टर, जिसमें वीक करंट फ्लो होगा, कंडीशनल करंट फ्लो होगा ये। और फ्लो भी कैसे होगा, ये कंडीशनल फ्लो होगा। अभी हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसका लेंथ L है और ये वाला इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। ओके, इसको हमने अभी कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। ये एक वी वोल्ट का बैटरी है, ये की है, ये यहां से कनेक्टिंग वायर हो गया बैटरी। ओम्स लॉ क्या है कि इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट किस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए, आपने ना ये देखा होगा, सपोज ये एक बल्ब हमने लगा रखा है और यहां हमने एक सेल यूज किया है, और वो जो सेल यूज हमने किया है वो मान लीजिए 10 वोल्ट का सेल है। की को हमने क्लोज किया तो बल्ब की ब्राइटनेस कितनी होगी, ठीक है। सेकंड केस में अगर हम सेम बल्ब को यूज करें और ये जो सेल है, ये जो सेल है इसको हम 20 वोल्ट कर दें, 20 वोल्ट कर रहे हैं, तो अब बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी अब बता सकते हैं। पहले हमने क्या किया है, सेम बल्ब यहां पे यूज किया, सेम बल्ब यहां पे यूज किया, ठीक है। यहां पे सेल कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, और यहां पे एक दूसरी सेल है जो कितने की है, ये 20 वोल्ट की है। तो किस केस में बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी बताइए। तो इस वाले केस में बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, हाई वोल्टेज है,
तो करंट क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। यहां पे कम वोल्टेज है तो करंट क्या जाएगा, कम जाएगा। यही है ओम्स लॉ कि जितना ज्यादा हम वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा ही क्या आएगा, फ्लो ऑफ करंट आएगा। क्या है ओम्स लॉ? ये जो कंडक्टर है, जैसे हमने की को क्लोज किया तो यहां से कौन फ्लो होगा, करंट। वो करंट किस पर डिपेंड करेगा, इस वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ये वोल्टेज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहां करंट हमको मिलने वाला है। लेकिन उसमें हमें करना क्या होगा, जो फिजिकल कंडीशंस है, जैसे इसका लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका टेम्परेचर, ये सब क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो क्या है ओम्स लॉ, चलिए जानते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the current flowing in a conductor, the current flowing in a conductor is directly proportional to the applied potential difference, applied potential difference means applied voltage, you can say. According to Ohm's law, the flow of current in a conductor is directly proportional to the applied potential difference across the ends of conductor. Ends of conductor, keeping physical quantity. Physical quantity same. क्या same रखना है, temperature same रखना है, इसका conductor का length same रखना है और area of cross section, area of cross section. तो इसको सिंपली हम ऐसे रीड कर सकते हैं, क्या क्या हम इसको रीड कर सकते हैं ओम्स लॉ को, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कीपिंग सिंपली आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, कीपिंग फिजिकल क्वांटिटी सेम। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, अभी हमने नोट करवाया था आपको, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सेम रहेगा। ठीक है, जितना वोल्टेज हाई होगा उतना करंट क्या होगा, हाई होगा। यही है ओम्स लॉ, दिस इज द ओम्स लॉ। और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, एक कांस्टेंट यूज किया R। तो हमने इसको लिखा V इज इक्वल टू आई आर, और इसको हम बोलते हैं ओम्स इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं। ये क्या है, ओम्स लॉ है कि करंट कितना होगा, जितना वोल्टेज है, जितना वोल्टेज हाई होगा उतना करंट भी क्या होगा, हाई होगा, जितना वोल्टेज क्या होगा, लो, उतना करंट भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, दिस इज द ओम्स लॉ। एंड वेयर आर, वेयर
आर इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। आर यहां पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। एंड आर इज नोन एज रेजिस्टेंस। आर को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यू कैन से, और यू कैन से कंडक्टर। तो ये है ओम्स लॉ। अभी हम यहां से ग्राफ रीड करते हैं ओम्स लॉ का। ग्राफ में क्या मिलने वाला है हमको? V इज इक्वल टू आई आर। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, एग्जाम में कंफर्म आने वाला है। तो यहां हमने लिया है करंट I, करंट लिया हमने यहां इलेक्ट्रिक करंट, और यहां हमने किसको लिया है? वोल्टेज को लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है। यहां पे कौन चल रहा है? वोल्टेज चल रहा है। यहां कौन चल रहा है? I चल रहा है। यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने 0 वोल्ट दिया तो कितना I आएगा? 0 आएगा। मींस ग्राफ कहां से पास होगा? ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं? ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आर को फिक्स कर लेते हैं कि मान लीजिए जो आर की वैल्यू है वो 10 है। ओके, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है ताकि हम ग्राफ को समझ सके कि ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा। या हमने 0 वोल्ट दिया है तो आई कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया है? वी को 1 किया है, मान लीजिए इसको हमने 0 किया है तो आई कितना आएगा? 0 आएगा। इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 10 है। जैसे 1 होगा तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। ये 2 होगा तो कितना आएगा? 0.2 आएगा। ये 3 होगा तो कितना आएगा? 0.3 आएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से वी इंक्रीज हो रहा है उसी पैटर्न में आई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, लीनियर में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो ग्राफ आपके सामने है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए ग्राफ कैसा होगा? पास कहां से होगा? ओरिजिन से। और ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप मतलब है ये थीटा, टेंजेंट थीटा। स्लोप मतलब क्या है? टेंजेंट थीटा। तो करंट एक्सिस से हमने थीटा कंसीडर कर लेना है। ठीक है, स्लोप को फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें? थीटा कंसीडर कर लेना है। कहां से कंसीडर कर लेना है? करंट एक्सिस से कंसीडर करना है। तो थीटा यहां हो गया है। अभी मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है यहां तक का, ये वाला, इन दिस वे। तो यहां तो क्या है? 0-0 है। और यहां हमको कितना वोल्टेज मिल गया? ये हो गया है V वोल्टेज, और ये कितना हो गया है? I। अभी टेंजेंट थीटा होता क्या है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन आ रहा है इसमें, इस ट्रायंगल में? तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि यहां से परपेंडिकुलर आ गया है V, और बेस कौन हो गया है? I। यहां से आप देख सकते हैं, अगर यहां V अपॉन I कैलकुलेट करें, यहां से अगर हम क्या करें, V अपॉन I को कैलकुलेट करें, तो वो कौन आ रहा है? R आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा? इस पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये करंट हो गया है, ये कौन हो गया है? वोल्टेज हो गया है। हमने ओम्स लॉ दो कंडक्टर के लिए अप्लाई किया। मान लीजिए ये कौन है? R2 है, और ये कौन है? R1 है। दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और कैसे स्टेट हैं? तो R1 और R2 में क्या रिलेशन है? मान लीजिए आपको ऑप्शंस ये दे दिए हैं। क्या ऑप्शंस दे दिए हैं? R1 greater than R2, ऑप्शन बी आपको दे दिया है। R1 less than R2, ऑप्शन सी है। R1 is equal to R2,
एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपको वन मार्क से मिल जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो अभी हम पढ़ के आ रहे थे कि जो ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ है ठीक है, वो टेंजेंट थीटा है। और टेंजेंट थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है, थीटा देख लेना है। यहां से करंट एक्सिस से ये जो हुआ थीटा वन, ये एंगल थीटा वन बना, और यहां से यहां ये सारे का सारा ये कितना हो गया है, थीटा टू हो गया है। ठीक है, यहां से क्या दिख रहा है हमको कि टेंजेंट थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसका थीटा हाई होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हमने क्या देखा, थीटा टू किससे ग्रेटर है, थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन, देयरफॉर आर टू ग्रेटर किससे हो गया है, R1 से हो गया है। ओके, मतलब रेजिस्टेंस R2 क्या है, हाई है एज कंपेयर टू R1। लेकिन कई बार क्या होगा, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से बना दिया जाएगा। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास था वो इस तरीके से था, यहां करंट था और यहां कौन था, वोल्टेज था। मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं, ये R2 था और ये कौन था, R1। अभी जो हमने क्वेश्चन रीड किया है, ये थीटा वन और ये क्या है, थीटा टू। तो अभी हमने क्या लिखा था कि जो थीटा टू है वो किससे ग्रेटर, थीटा वन से है, इसलिए आर टू ग्रेटर किससे हो गया है, आर वन से ग्रेटर हो गया है। लेकिन कई बार क्या करेंगे, इस ग्राफ को इन दिस वे आपके सामने रख दिया जाएगा, इस एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस है उस पे दे दिया जाएगा वोल्टेज और वाई पे क्या कर दिया जाएगा, करंट कर दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अभी तरीका वही है। अभी मान लीजिए क्या है, फिर से ये कौन है, आर टू है और ये कौन है, R1 है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि थीटा को रिकॉर्ड हमने कहां से करना है, जो थीटा है इसको जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कहां से करना है, करंट एक्सिस से करना है। कहां से करना है, करंट एक्सिस से करना है। थीटा का रिकॉर्ड कहां से करेंगे, करंट से करेंगे। ठीक है, तो यहां से एक एंगल ये बन गया है, एक एंगल ये बन गया है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं थीटा टू और इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा वन मान लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, यहां से क्या देख पा रहे हैं हम कि यहां पे जो थीटा वन है वो ग्रेटर किससे, थीटा टू से है, इसलिए आर वन ग्रेटर किससे होगा, आर टू से होगा। ओके, आर वन ग्रेटर किससे होगा, आर टू से होगा। इस पर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है कि आप रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है आपको, तो आप देख पा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, वैसे आपको सिंपली थीटा ध्यान रखना है। थीटा का रिकॉर्ड कहां से करना है, आपने करंट एक्सिस से करना है, बस आपने ये ध्यान रखना है। जिसका थीटा हाई होगा वही रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ओके, दोनों ग्राफ आपको दिख पा रहे होंगे एक साथ कि यहां पे करंट वोल्टेज ये रिवर्स कर दिया है, यहां वोल्टेज यहां पे कौन हो गया है, करंट हो गया है। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस है क्या। बार बार हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब हमने डिफाइन भी किया था रेजिस्टेंस के बेसिस पे, हमने क्या किया था, मेटल्स को डिवाइड किया था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में किया था। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, आप कार चला रहे होंगे रोड पे है ना, और कार की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, कार की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रोड पे क्या बना देते हैं, ब्रेकर बना देते हैं ना। जितने ब्रेकर ज्यादा होंगे उतनी कार की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या उस रोड से जो जाने वाली कारें हैं उनकी जो नंबर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्पीड ब्रेकर है। किसके लिए, करंट के लिए स्पीड ब्रेकर है ये। ठीक है, किसके लिए है ये, करंट के लिए। जैसे ब्रेकर ज्यादा होंगे तो कार कम होंगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप ए टू बी जा रहे हैं और यहां बीच में 10 ब्रेकर हैं, इस तरीके से एक रास्ता और है आपको, डिस्टेंस उतनी ही है लेकिन बीच में ब्रेकर कितने हैं,
चार ही ब्रेकर है, तो कौन सा रास्ता चूज करेंगे आप? आप चूज करेंगे इजी पाथ, है ना। आपको क्या चूज करेंगे, फिजिक्स नेचर की स्टडी है और आप भी नेचर हैं, आपका जो आंसर होगा वही आंसर फिजिक्स में आपको मिलने वाला है, ठीक है, वही आंसर आपको फिजिक्स में मिलेगा। आप ये वाला रास्ता चूज करेंगे क्योंकि ये वाला रास्ता क्या है, इजी है, तो करंट भी कहां से फ्लो करेगा, इजी पाथ से फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन करंट को अगर हमें कंट्रोल करना पड़ जाए तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, रेजिस्टेंस लगा के। रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेकर क्या है, रुकावट है कार के लिए, वही काम कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस करेगा। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है सर्किट की जो करंट का अपोज करेगा, क्या करेगा, करंट का अपोज। जैसे अभी हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR पढ़ा था, देखिए यहां समझते हैं। मान लीजिए 100 वोल्ट का एक हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है इसको हम कंसिडर करते हैं कि रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर आएगा, ये उतना ही है। अगर रेजिस्टेंस हमने 20 कर दिया है तो करंट कितना आएगा, 5 आएगा। इसको और बढ़ा दें हम, इसको 50 कर दें हम, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमने क्या देखा यहां से, जिस तरीके से अगर V को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए, R बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे रोड पे कारें थी, जितने ब्रेकर ज्यादा होंगे उतनी वहां से गुजरने वाली कारें क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कर रहा है, ये करंट का अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये बढ़ गया ये कम हो गया, तो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और मैथमेटिकल डेफिनेशन कहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं कि आर रेशियो किसका हो जाएगा, वी अपॉन आई का। मैथमेटिकली मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट टू द फ्लो ऑफ करंट। वहां से हम देख पा रहे हैं कि जो V है, V किसकी इक्वल है, IR की इक्वल है, तो यहां से R हमारे पास क्या बन गया है, V अपॉन I बन गया है। R क्या बन गया है, V अपॉन I। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अभी बात करते हैं यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके लिए R हमारे पास क्या है, V अपॉन I है, इसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में करेंगे, और करंट किस में करते हैं हम, एम्पियर, और ये बन जाता है ओम, ठीक है, ओम बन जाता है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो ओम है वो किसके इक्वल है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। आप ओम को ऐसे में डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ओम को, इन दिस वे। ये भी किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है। अब यहां से डिफाइन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ओम, डिफाइन वन ओम, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन वन ओम।
अभी R हमारे पास किसके इक्वल था, तो R इक्वल था V अपॉन I, ओके V अपॉन I। अब मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और आपने इसको कर रखा है कनेक्ट एक सेल के साथ, जो यहां से यहां इसको कितना दे रहा है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। कितना दे रहा है इसको, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो यहां से ये बन जाएगा 1 ओम। कब बनेगा 1 ओम, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, और करंट कितना हो, 1 एम्पियर। ठीक है, तो डेफिनेशन ऐसे बना लेंगे हम कि जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसको 1 ओम हम बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, और उस वायर में से करंट कितना फ्लो होता हो, 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द यूनिट ऑफ करंट करंट इज सेड टू बी वन ओम इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड फ्लो ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।